साठ सत्तर उससे पहले, इंडिपेंडेंस से पहले आप यहां आते, हिंदुस्तान की जनता के कोई अधिकार नहीं थे, महिलाओं के कोई अधिकार नहीं थे, दलितों को छुआ नहीं जाता था। यह आरएसएस की विचारधारा है, यह हमने बदला है, और एक बार फिर यह हिंदुस्तान को वापस ले जाना चाह रहे हैं। जो आजादी से पहले था वहां हिंदुस्तान को वापस लौटा रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन से, आपके वोट से अलग अलग संस्थाएं बनती हैं, ये आपकी संस्थाएं हैं, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, इलेक्शन कमीशन हो, ये आपकी संस्थाएं हैं। सारे के सारे इंस्टीट्यूशंस पर ये कब्जा कर रहे हैं। आप हिंदुस्तान की सारी यूनिवर्सिटी देख लीजिए, सारे के सारे वाइस चांसलर आज एक संगठन के हैं, उनको आता होता कुछ है नहीं, कुछ नहीं आता उनको। हिंदुस्तान के वाइस चांसलर आज मेरिट पे नहीं बनते हैं, हिंदुस्तान के वाइस चांसलर आज अगर एक संगठन में हैं तब बन सकते हैं। तो सारे के सारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं जिससे आपकी आवाज की रक्षा होती है, जिससे आप देश को चलाते हो, इन सब का ये कब्जा कर रहे हैं। मीडिया को देख लीजिए, कहा जाता था कि मीडिया लोकतंत्र के रखवाले हैं। मैं आपसे पूछता हूं, क्या आपको लगता है कि आज हिंदुस्तान का मीडिया लोकतंत्र की रक्षा कर रहा है? सुन लीजिए, आप इनसे पूछिए, ये आपको बताएंगे कि हमारे दिल में जो है हम नहीं बोल सकते। इनके दिल में क्या है? इनके दिल में वो है जो हिंदुस्तान की जनता के दिल में है, वो नहीं बोल सकते। तो सारी की सारी संस्थाएं का कब्जा कर दिया मीडिया प्रेशर में, सीबीआई का प्रेशर है, ये देखो ईडी का प्रेशर है, तो लड़ाई इस बात की है, हम देश की जनता को देश की शक्ति देना चाहते हैं, देश की जनता को देश की शक्ति हम पकड़ाना चाहते हैं। लोग कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने सफेद क्रांति की, हमने सफेद क्रांति में मदद की, मगर सफेद क्रांति को आनंद के महिलाओं ने शुरू की। सफेद क्रांति हिंदुस्तान की नारी शक्ति ने की, हरी क्रांति देश के किसानों ने की, किसानों की शक्ति ने हरी क्रांति की। आईटी रेवोल्यूशन देश के युवाओं ने किया, कांग्रेस पार्टी ने मदद की, कांग्रेस पार्टी ने विजन दिया,
मगर आईटी रेवोल्यूशन हमारे युवाओं ने किया। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि पिछले 10 साल में नरेंद्र मोदी जी ने कितने लोगों को रोजगार दिया है? 40 साल से सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज है और हिंदुस्तान की युवाओं की जो शक्ति है, करोड़ों युवाओं की जो शक्ति है वो जाया हो रही है। आजकल हिंदुस्तान का युवा जॉब नहीं करता है, आजकल हिंदुस्तान का युवा 7-8 घंटे मोबाइल फोन पे, कभी इंस्टाग्राम देखेगा कभी फेसबुक देखेगा, ये सच्चाई है हिंदुस्तान की, और उसकी शक्ति जाया हो रही है। एक तरफ किसानों पर आक्रमण, युवाओं पर आक्रमण,